राजश्री पश्चिमी पंचायत से आपकी माताजी द्रौपदी देवी पिछले 2.5 वर्षों से पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मुखिया के रूप में। आखिर राजश्री पश्चिमी पंचायत में क्या कुछ विकास कार्य हुआ है सर? विकास कार्य तो बहुत सारे हुए हैं, जैसे पेंशन हम जो है अधिक से अधिक संख्या में सब आदमी को जागृत करके करवाए हैं। हम अपने समय में कम से कम 500 आदमी का जो है पेंशन करवाए हैं, ढूंढ ढूंढ के जहाँ जो था उस सबको जागृत किए, पेंशन करवाए। उसके बाद सोलर प्लेट जो है चौक चौराहा पर, जहाँ पर रात में अंधेरा होता था वहाँ पर जो है सोलर प्लेट लगाए हैं, वहाँ पर जो है रात में भी आसानी से आदमी गुजरता है। राजेश्वरी पश्चिमी पंचायत जो है इसमें 13 वार्डों का समावेश है, 13 वार्ड आते हैं। 13 वार्ड में किन किन मत से आप योजना की शुरुआत किए? हम लोग के यहाँ तो बहुत कम मत आया, मतलब 15वीं भी वो सिस्टम दो ही मत का पैसा आता है, मनरेगा से तो थोड़ा बहुत काम होता है। अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो आपके कई ऐसे आंशिक वार्ड हैं जहाँ पे जल जमाव की समस्या है, सड़क अच्छी नहीं है, तो इसको लेकर के क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं आप? प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सरकार का भी जो है पंचायत पर थोड़ा कम नज़र है। पंचायत में जिस तरह से राशि पूर्व के मुखिया लोगों को मिला था विकास कार्य करने के लिए, उसका 1/3 भी नहीं मिल रहा है। 2008 के कुसात रास्ती इस क्षेत्र को काफी प्रभावित किया गया था बहुत पानी के कारण से। यहाँ पे आंशिक ऐसे कई ऐसे जमीन है जहाँ पे जमीन कटने के बाद किसानों को नुकसान हुआ, फसल की अच्छी उपज पैदावार भी घट गई। लेकिन जब से आप इस पंचायत का आपकी माता जी कमान संभाले हैं तो सरकार के द्वारा जो योजना दी जा रही है उससे आप लोग संतुष्ट हैं या कार्य करने में अपने आप को समर्थ महसूस कर रहे हैं? उसके लिए तो कोई पहल सरकार की तरफ से नहीं हुआ है। जो जिसका जिस जमीन में लंबा लंबा गड्ढा हो गया उसका तो सरकार की तरफ से कोई योजना ऐसा नहीं चलाया गया है जिससे हम उसका जो है गड्ढा को भरवा दें और उसका जो है पुनः जो है उस पर खेती हो। आपके पंचायत को सरकार के द्वारा फर्स्ट बजट क्या कुछ दिया गया था विकास कार्य के लिए? पहला कितनी राशि आपके पंचायत को आवंटित की गई थी? 30 या 32 लाख रुपया लगभग दिया गया था। आखिर राजेश्वरी पश्चिमी पंचायत में मनरेगा से योजना क्यों नहीं की गई, किस तरह की समस्याएं? कम सम होता है, ज्यादा संख्या में नहीं होता। इस बार से सब वार्ड सदस्य सबको योजना जो है में सहयोग करने के लिए रोजगार सेवक को बोले तो सहयोग कर रहा, तो इस बार थोड़ा ज्यादा हुआ है। तो अब तक आपके पंचायत में जो विकास कार्य किया गया है उसका कोई आधिकारिक जांच भी किया गया है? कई बार जांच में क्या कुछ सामने आया? काम की गुणवत्ता अच्छा रहा, जिसमें जो है काम करने के लिए काम का जांच किया तो उसमें जो भी पदाधिकारी आए काम से संतुष्ट हुए। जिस समय आपकी माता जी द्रौपदी देवी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे तो यहाँ पे युवाओं का, लोगों का काफी जन समर्थन आपके साथ था, कई ऐसे वादे थे, दावे थे जिस तर्ज पे आप चुनाव लड़ रहे थे और लोगों के जन समर्थन से आप मुखिया भी बने आपकी माता जी, तो उस समस्याओं को लेकर के कार्य कर रहे हैं? हाँ, एकदम कर रहे हैं। बचे हुए समय में लगता है कि आप जनता से जो वादे किए उसको पूरा करने में कामयाब हो पाइएगा? एकदम। अच्छा, सरकार से आप लोगों का 19 सूत्री मांग था जिसको लेकर के जिला से राज्यव्यापी आंदोलन आप लोगों ने किया, पटना के सड़कों पर आप लोगों ने सरकार के समक्ष अपनी 19 सूत्री मांग को पेश किया था लेकिन उसको बर्खास्त कर दिया गया, इस पर आपके क्या राय है? इस पर है जो सरकार को जिस तरह से पंचायत का पूरा अधिकार हो है, संविधान दिया है, लेकिन धरातल पर वैसा नहीं हो रहा है। आपके पंचायत में 13 वार्ड है, ये बताइए कितने वार्ड में जो है आंगनबाड़ी केंद्र का भवन बना हुआ है? 7 आंगनबाड़ी केंद्र का बना हुआ है, बाकी में कब बनने गया है? उसका अभी तक जो है कोई जमींदाता नहीं हुआ है, अगर जमीन उपलब्ध होता तो वहां भी बनेगा। अच्छा, आपके पंचायत में प्रधानमंत्री आवास आया है कि नहीं आया अभी तक? जब से मुखिया बने हैं तब से एक बार भी पेमेंट नहीं हुआ है आवास का। कितने लोग की जरूरत है हमारी वैसे आवास का? बहुत ज्यादा संख्या में बचा हुआ है हमारे पंचायत में, क्योंकि इससे पहले पूर्व मुखिया जो था वो बहुत कम ही व्यक्ति का जो है जियो चेक किया था, जिसमें बहुत सारे व्यक्ति जो छुटे हुए हैं, खास करके 1 वार्ड से 10 वार्ड तक, मतलब 40
लगभग 40-42 आदमी का नाम जुटा है मात्र। शिक्षा का क्या व्यवस्था है आपके पंचायत में? शिक्षा का व्यवस्था अच्छा है। स्वास्थ्य का हॉस्पिटल है? स्वास्थ्य भी अच्छा है, हॉस्पिटल है। रोड की भी जो है चारों तरफ से प्रधानमंत्री सड़क, मुख्यमंत्री सड़क, मतलब बाढ़ के बाद जो है ना हमारी पंचायत में सड़क का एक तरह से कहिए तो जाल बिछा हुआ है। बहुत सारे पंचायत में देखा जाता है जन वितरण प्रणाली, डीलर के द्वारा 1 किलो राशन काटा जाता है, क्या आपके पंचायत में भी ना? 1 किलो तो नहीं काटा जाता है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा काटा जाता है। सरकार के द्वारा जो आप लोगों को मासिक वेतन दिया जाता है, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? अब कहीं उतना वेतन में उतना जो प्रोत्साहन भत्ता भी जो है जितना देता है उसे, मैंने छातापुर का आपका पेट्रोल चाय पान का भी खर्चा नहीं निकलता होगा। क्या मांग है आप लोगों को, कितना मिलना चाहिए? हम लोग का क्या मांग होगा, कम से कम वो लोग जो लेते हैं उसका 1/4 भी तो हम लोग को दे। जैसे विधायक जी लेते हैं, MP साहब लेते हैं, सबका 1/4 भी तो हम लोग को दे, चौथा स्तंभ तो हम लोग भी हैं। आपके पंचायत में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? बेहतर है, डॉक्टर आते हैं समय? एकदम आते हैं डॉक्टर, यहाँ पर प्रतिनियुक्त हैं, हॉस्पिटल है, दवाई का सारा व्यवस्था रहता है। आपके पास सर 2.5 साल समय बचा हुआ है, जो चुनाव के वक्त आप वादे किए थे, क्या लगता है कि उस वादे को आप 2.5 साल में पूरा करेंगे? निश्चित पूरा करेंगे। क्या क्या लगता है सबसे ज्यादा किस वार्ड में समस्या आपको आ रहा है 13 वार्ड में? 13 वार्ड में तो लगभग 1 वार्ड से 4 वार्ड ज्यादा समस्या है, यहाँ पर जो है बहुत अधिक संख्या में जो है आदमी को आवास प्राप्त नहीं हुआ है, आवास। बिहार में लगातार मुखिया का हत्या किया जा रहा है, आए दिन आप देख रहे होंगे मुखिया पे हमला किए जाते हैं, उनकी जान तक चली जाती है, और पिछले 2 वर्षों में मुखिया संघ के द्वारा, मुखिया के द्वारा सरकार से आर्म्स लाइसेंस की मांग की जा रही है, सुरक्षा की मांग की जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? इस पर ये क्या कहेंगे, इस पर तो जो सुरक्षा है, अब बहुत सारे हम लोग काम करते हैं, किसी के पक्ष में नहीं जाता है तो वो लोग दुश्मनी से जो है हम किसी मुखिया को सुरक्षा सरकार के द्वारा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पंचायत में, आपकी माताजी पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मुखिया के रूप में, लोगों से मिलना जुलना, उनकी जन समस्या को देखना, इस बीच किसी तरह का अपने आप को तनाव भी महसूस करते हैं? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, हम पूरा मिलनसार आदमी हैं, हम सबसे मिलते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, जिसका जो होता है, जो बोलता है ये हमारा ही काम है, तो उसका हम प्रयास करते हैं जो इसका काम करवा दे। आपके प्रखंड के जितने भी पदाधिकारी हैं, या आपके PRS की हम बात करें, पंचायत सचिव की बात करें, प्रखंड विकास पदाधिकारी की बात करें, सबका परस्पर आपको सहयोग दिया जाता है? सहयोग मिलता है, कोई शिकायत तो नहीं? नहीं, कोई शिकायत। अच्छा, चलिए अंत में, आप मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, देश दुनिया के तमाम लोग आपको सुन और देख पा रहे हैं, इस मीडिया के माध्यम से सरकार से क्या कुछ आप मांग करना चाहिएगा पंचायत को लेकर के? सरकार से यही मांग करेंगे, जो पहले जो था 7 निश्चय जो दिया जा रहा था वो पुनः जो है दिया जाए। आपका परिचय? पूरा वार्ड का जो है, मेरा परिचय, मैं संतोष कुमार, मैं श्रीमती द्रौपदी देवी जो अभी वर्तमान में मुखिया हैं उसके उसका पुत्र हूँ। हमारा पंचायत राजेश्वरी पश्चिम हुआ, प्रखंड छातापुर, जिला सुपौल।